सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मास्टर जी को और दबाएं इस घंटी को ताकि आप देख सके सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिपब्लिक इंडिया के एक ऐसे कमेमोरेटिव क्वाइन के बारे में जिसकी कीमत आप लोगों को 50,000 रुपए तक मिल सकती है। और ये एक 100% सच्ची जानकारी है और मैं भी इस सिक्के को अपने कलेक्शन के लिए खरीदना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास भी है 1985 में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की थीम के ये सिक्के तो आप उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए ऐसे ही सच्ची वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही उस घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियोस भी मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, 1985 में जारी हुआ 1 रुपए का ये सिक्का एक कमेमोरेटिव क्वाइन है जिसको कि जारी किया गया था इंटरनेशनल यूथ ईयर की थीम पे। तो दोस्तों, कमेमोरेटिव क्वाइंस वो होते हैं जिनको किसी इवेंट या किसी व्यक्ति की स्मृति में जारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये 1 रुपए के सिक्के बने हुए हैं कॉपर निकल से और इनका वजन है 6 ग्राम। तो दोस्तों, इस सिक्के के इस तरफ देखें तो यहाँ पर बीच में कबूतर का चित्र बना हुआ है और उसके नीचे 3 फेस बनाए गए हैं और इसके ऊपर की तरफ अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष और नीचे अंग्रेजी में इंटरनेशनल यूथ ईयर लिखा गया है। साथ ही यहाँ पर इसका मिंटिंग ईयर 1985 और इसके नीचे इसका मिंट मार्क बना हुआ है। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर ऊपर अशोक स्तंभ का चित्र सत्यमेव जयते के साथ बना हुआ है। साथ ही इसके दोनों तरफ भारत रुपए और इंडिया रुपी लिखा गया है। वहीं नीचे की तरफ अंकों में 1 लिखा हुआ है। और दोस्तों, बात करें इसके एजेस की तो इस तरह के एजेस सिक्योरिटी एजेस कहलाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास है यहाँ पर 2 सिक्के जिनमें एक पर बना हुआ है डायमंड मार्क जो कि बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क है और दूसरे सिक्के पर कोई भी मिंट मार्क नहीं बना हुआ है जो कि है कैलकटा मिंट का सिक्का। तो दोस्तों, काफी वर्षों तक ऐसा माना जाता रहा कि ये सिक्के सिर्फ इन्हीं 2 मिंटों में बनाए गए थे, लेकिन अभी हाल ही के वर्षों में ऐसे कुछ हैदराबाद मिंट के सिक्के भी देखने को मिले हैं जिनको की काफी कम मात्रा में ही जारी किया गया था। और आज के समय में ऐसे हैदराबाद मिंट के सिक्के एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों की कैटेगरी में आते हैं और इन सिक्कों की आज के समय में UNC कंडीशन में आप लोगों को कीमत 50,000 से भी ऊपर मिल सकती है। और अगर आपके पास ऐसे सिक्के कुछ कम अच्छी कंडीशन में भी होंगे तो भी उनकी कीमत आप लोगों को 20,000 से 30,000 रुपए तक मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास है ऐसा कोई हैदराबाद मिंट का सिक्का और आप उसे बेचना चाहते हैं तो आप अपने सिक्के की पिक्चर्स मुझे इस ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। और दोस्तों, बात करें ऐसे बॉम्बे और कैलकटा मिंट के सिक्कों की कीमत की तो इनमें कैलकटा मिंट के सिक्कों की आज के समय में UNC कंडीशन में कीमत है लगभग 150 रुपए, लेकिन वही बॉम्बे मिंट के सिक्के काफी ज्यादा मात्रा में बनाए गए थे इसलिए बॉम्बे मिंट के सिक्कों की कीमत आप लोगों को UNC कंडीशन में सिर्फ 50 रुपए तक ही मिल सकती है। और दोस्तों, कैलकटा मिंट से ऐसे UNC और प्रूफ सेट्स भी जारी किए गए थे जिनमें UNC सेट में था 10 रुपए और 100 रुपए का सिक्का। और इस 2 सिक्कों वाले UNC सेट की आज के समय में मार्केट वैल्यू है लगभग 10,000 रुपए। और वही बात करें ऐसे प्रूफ सेट्स की तो ऐसे प्रूफ सेट्स में थे 1 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के 3 सिक्के और इस 3 सिक्कों वाले प्रूफ सेट की आज के समय में मार्केट वैल्यू है लगभग 12,000 से 15,000 रुपए के बीच में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना इंटरनेशनल यूथ ईयर के थीम पर बनाए गए इन सिक्कों की कीमत के बारे में। तो अगर आपके पास भी हैं ऐसे कोई रेयर सिक्के तो आप उसकी जानकारी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी जान सके इस 1 रुपए के सबसे कीमती सिक्के के बारे में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले तो नीचे दिए गए उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबा दें उसके बगल में बने हुए उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को ताकि आप लोगों को आगे भी सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सके। तो हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।